अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब मजे में होंगे, फिट होंगे और अच्छे होंगे। सो गाइस, एज यू कैन सी टुडेज़ वीडियो टॉपिक विल बी अबाउट फेज टू रिएक्शन। इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस अबाउट द फेज वन रिएक्शन, नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फेज टू रिएक्शन। सो बिफोर कमिंग टू द फेज टू रिएक्शन, लेट्स रीकैप रिगार्डिंग मेटाबॉलिज्म। सो मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग बेसिकली फॉलोज थ्री पाथवेज। What happens when the drug gets administered in the body? The drug undergoes metabolism process. Therefore, if the drug is highly water soluble, the drug directly gets excreted from the body without undergoing metabolism process. It gets directly excreted because it is highly water soluble. Highly water soluble होने की वजह से होता है ये कि वो metabolism को skip करता है और directly excrete हो जाता है body से। और दूसरा बात वो ये होता है कि once the drug is administered into the body, it gets into the metabolism process, goes through the metabolism process, goes through the phase 1 reaction and the resulting metabolite जो भी form हुआ है phase 1 reaction के through, अगर वो highly polar है तो it will get excreted. If not, if the resultant metabolite is not highly polar, then it undergoes phase 2 reaction in order to become highly polar as well as pharmacologically inactive. Therefore, that resultant metabolite of the phase 2 reaction will again get excreted from the body. Lastly, but not the least process जो होता है वो है once the drug is administered, it goes through the metabolism process and in that metabolism process directly goes through the phase 2 reaction and therefore through phase 2 reaction it gets excreted from the body. Now coming back to the phase 2 reaction, so phase 2 reaction can also be called as synthetic reaction and it can also be called as conjugation reaction. So basically why phase 2 reaction is called as conjugation reaction? So conjugation means binding और अटैचिंग ऑफ ए सब्सटेंस। सो बेसिकली बाइंड करने को या अटैच करने को कॉन्जुगेट कहा जाता है। सो फेज टू रिएक्शन यानी कॉन्जुगेशन रिएक्शन में होता यह है कि कई इंडोजीनियस सब्सटेंस जो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं विद इन द बॉडी वो अटैच कर जाते हैं कंपाउंड्स के साथ ताकि उन्हें हाईली पोलर बना सके, हाईली वाटर सॉल्युबल बना सके, हाईली आयोनाइज बना सके ताकि वो ईजिली एक्सक्रीट हो जाए बॉडी के थ्रू। तो ये होता है फेज टू रिएक्शन में। और साथ ही फेज वन और फेज टू रिएक्शन के बीच में और एक फर्क ये होता है कि फेज टू रिएक्शन रिक्वायर्स हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इन ऑर्डर टू टेक प्लेस व्हेन कंपेयर टू द फेज वन रिएक्शन। यानी कि फेज टू रिएक्शन को बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है अपना प्रोसेस गो थ्रू करने के लिए, तो फेज वन रिएक्शन से अगर हम कंपेयर करें तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है फेज टू रिएक्शन का। सो अब वो कौन कौन से इंडोजीनियस सब्सट्रेट हैं जो कॉन्जुगेट होते हैं कंपाउंड्स के साथ ताकि उन्हें हाईली आयनाइज्ड बना सके, तो वो सब्सट्रेट के बारे में हम बात करेंगे फेज टू रिएक्शन में। और वो सब्सट्रेट, वो इंडोजीनियस सब्सट्रेट जो पाथवेज इन्वॉल्व होते हैं फेज टू रिएक्शन में वो है ग्लूकोयुरोनाइड कॉन्जुगेशन, एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, सल्फेट कॉन्जुगेशन, ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन एंड राइबोन्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस। सो अब आते हैं फर्स्ट कॉन्जुगेशन पाथवे की तरफ जो है ग्लूकोयुरोनाइड कॉन्जुगेशन पाथवे। सो ग्लूकोयुरोनाइड कॉन्जुगेशन पाथवे एक बहुत ही कॉमन पाथवे है और जो कंपाउंड्स जिनके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप अवेलेबल होता है कंपाउंड में या फिर कार्बोक्सिल ग्रुप होता है वो कंपाउंड इस पाथवे के थ्रू इजीली कॉन्जुगेट हो जाते हैं और हाईली पोलर होकर बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं। सो बेसिकली ये जो ग्लूकोयुरोनिक एसिड होता है ये ड्राइव होता है ग्लूकोज से और दिस ग्लूकोयुरोनिक एसिड गेट्स कॉन्जुगेटेड विद द कंपाउंड्स दैट कंसिस्ट हाइड्रोक्सिल ग्रुप एज वेल एज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। किसी दो ये ग्रुप में अगर जो भी कंपाउंड्स में ये दो ग्रुप अगर प्रेजेंट है या हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, इनमें से कौन सा भी एक ग्रुप अवेलेबल है तो ये इजीली कॉन्जुगेट हो जाते हैं ग्लूकोयुरोनिक एसिड के साथ और साथ ही दे गेट हाईली मेटाबोलाइज्ड इनटू हाईली पोलर सब्सटेंस या हाईली आयनाइज्ड सब्सटेंस ताकि वो इजीली एक्सक्रीट हो जाए बॉडी के थ्रू। अब ये होता ये है कि इस ग्लूकोयुरोनाइड कॉन्जुगेशन में, कॉन्जुगेशन के प्रोसेस में ग्लूकोयुरोनिक एसिड में और एक इंटरनल प्रोसेस इन्वॉल्व होता है जो कि इंडोजीनियस सब्सटेंस जो विद इन द बॉडी प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल बिलीरुबिन हो गया या अपने स्टीरॉयडल हार्मोन्स हो गए या फिर साथ में थायरोक्सिन हार्मोन हो गया, ये भी इस ग्लूकोयुरोनाइड कॉन्जुगेशन पाथवे को यूटिलाइज करते हैं ताकि एक ड्रग का एक्शन इंक्रीज कर सके, ड्रग एक्शन को इंक्रीज करने के लिए ये भी यूटिलाइज करते हैं ग्लूकोयुरोनाइड कॉन्जुगेशन पाथवे को। तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए बेसिकली एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। होता ये है कि जो ड्रग्स ग्लूकोयुरोनाइड कॉन्जुगेशन पाथवे के थ्रू प्रोसेस होते हैं उनमें होता यह है कि ग्लूकोयुरोनाइड कॉन्जुगेशन ड्रग्स के मॉलिक्युलर वेट को बढ़ा देता है जिसकी वजह से ड्रग का एक्सक्रीशन इनहेंस हो जाता है बाइल में। सो वंस द ड्रग गेट्स एक्सक्रीटेड इन टू द बाइल देयरफॉर द बाइल गेट्स हाइड्रोलाइज्ड इन द गट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द बैक्टीरिया इन द गट। सो वो बैक्टीरिया जो अवेलेबल होते हैं गट में वो हाइड्रोलाइज कर देते हैं
ग्लूकोनाइट ड्रग्स को एंड देन थ्रू दैट प्रोसेस हैपन्स क्या होता है कि ड्रग का रीअब्सॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है और रीअब्सॉर्प्शन इंक्रीज होने की वजह से ड्रग का एक्शन भी इंक्रीज होता है क्योंकि ड्रग बॉडी में रीअब्सॉर्ब हो रहा है तो रीअब्सॉर्ब होने की वजह से ड्रग स्टेज इन द बॉडी एंड देयर फोर इट एक्शन इज प्रोलॉन्च. सो ये एक ग्लूकोनाइट कॉन्जुगेशन का और एक पाथवे होता है जो एंडोजीनियस सब्सट्रेट फॉलो करते हैं बॉडी को. तो हमने बात की ग्लूकोनाइट कॉन्जुगेशन की, अब कौन कौन से कंपाउंड्स हैं, कौन कौन से ड्रग्स हैं जो इस कॉन्जुगेशन को फॉलो करते हैं. तो ग्लूकोनाइट कॉन्जुगेशन फॉलो करने वाले ड्रग्स हैं फॉर एग्जाम्पल पैरासिटामोल हो गया, फॉर एग्जाम्पल डायजिपाम हो गया, फॉर एग्जाम्पल क्लोनाजिपाम हो गया एंड क्लोनाफेनिकॉल. फिर साथ ही कई सारे ड्रग्स अवेलेबल होते हैं फॉर एग्जाम्पल मेट्रोनिडाजोल. तो ये भी एक एंटी प्रोटोजोअल ड्रग है जो इन्वॉल्व और गो थ्रू होता है ग्लूकोनाइट कॉन्जुगेशन की तरफ. अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्जुगेशन पाथवे की तरफ, यानी नेक्स्ट प्रोसेस जो होता है फेज टू रिएक्शन से रिलेटेड, वो है एसिटाइलेशन प्रोसेस. सो एसिटाइलेशन प्रोसेस नाम के ही थ्रू आपको पता चल जाता है, एसिटाइलेशन का मतलब होता है इंट्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल ग्रुप. सो बेसिकली कौन से कंपाउंड्स इन्वॉल्व होते हैं, इसमें इन्वॉल्व होते हैं अमाइन कंपाउंड्स जो कंसिस्ट करते हैं अमाइन ग्रुप एज वेल एज हाइड्राजाइड रेसिड्यूज. तो ये एसिटाइलेशन प्रोसेस एसिटाइलेशन पाथवे फॉलो करते हैं, इस प्रोसेस के थ्रू जाते हैं द कंपाउंड्स व्हिच कंटेन अमाइन ग्रुप एज वेल एज हाइड्राजाइड रेसिड्यूज इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कॉल्ड एज एसिटाइल कोएंजाइम ए. एंड कौन कौन से ड्रग्स हैं जो यूजुअली ये एसिटाइलेशन प्रोसेस के थ्रू पास होते हैं, तो वो है पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड और आपका हो गया डैप्सोन ड्रग, पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड एंड डैप्सोन ड्रग. ये ड्रग्स जो है इन्वॉल्व होते हैं ये पाथवे में, और साथ ही सल्फोनामाइड आइसोनियाजिड ये भी सारे ड्रग्स होते हैं एसिटाइलेशन प्रोसेस के थ्रू जाते हैं, मतलब ये प्रोसेस के थ्रू ये कन्वर्ट होते हैं मोर पोलर फॉर्म में. अब आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जो है मिथाइलेशन प्रोसेस. तो नाम से ही पता चल जाता है मिथाइलेशन का मतलब है इंट्रोडक्शन ऑफ मिथाइल ग्रुप. तो कौन कौन से कंपाउंड्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें, इसमें इन्वॉल्व होते हैं अमाइन कंपाउंड एज वेल एज फिनॉल कंटेनिंग कंपाउंड्स, फिनॉल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स. और ये सारा प्रोसेस एंजाइम जो इन्वॉल्व होता है ये सारे रिएक्शन में, वो है मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम. और इसके एग्जाम्पल है मिथाइलेशन के, जो जो ड्रग मिथाइलेशन के प्रोसेस के थ्रू हाईली पोलर फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं वो ड्रग के नाम है हिस्टामाइन एज वेल एज हिस्टामाइन के साथ एड्रिनलिन, एड्रिनलिन के साथ हो जाता है निकोटिनिक एसिड. तो ये ड्रग इन्वॉल्व होते हैं मिथाइलेशन प्रोसेस में. अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्जुगेशन पाथवे जो कि है सल्फेट कॉन्जुगेशन. नाम से ही आपको आइडिया मिल जाता है सल्फेट कॉन्जुगेशन का मतलब. तो बेसिकली इसमें होता यह है कि देयर इज अ इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फेट ग्रुप एंड द एंजाइम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग दिस केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस दैट इज द सल्फो ट्रांसफिरेसिस एंजाइम, सल्फो ट्रांसफिरेसिस एंजाइम. और जो कंपाउंड्स इन्वॉल्व है सल्फेट कॉन्जुगेशन के थ्रू जो हाईली पोलर कन्वर्ट होते हैं जो ड्रग्स होते हैं वो है सेक्सिस्टीरॉइड ड्रग्स होते हैं और साथ ही क्लोरामफेनिकॉल ड्रग्स होते हैं. नेक्स्ट कॉन्जुगेशन प्रोसेस जो है ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन, इसमें यूजुअली सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलेट निकोटिनिक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड कंटेनिंग ग्रुप्स जो होते हैं वो इस ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन के प्रोसेस के थ्रू हाईली वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट होते हैं. सो बेसिकली जो ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन पाथवे होता है वो बहुत ज़्यादा टेम्प्ररी पाथवे होता है, यूजुअली ज़्यादा प्रोसेस नहीं होता वो पाथवे का, बहुत कम ही बॉडी में अकर होता है ये ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन प्रोसेस. अब आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस सिंथेसिस की तरफ जिसका नाम है राइबोन्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस. सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इन दिस प्रोसेस इज दैट देयर इज द एक्टिवेशन ऑफ प्राइन एंड पिरिमिडाइन्स एंटी मेटाबोलाइट्स दैट आर इन्वॉल्व इन द कैंसर कीमोथेरेपी. सो कैंसर कीमोथेरेपी से रिलेटेड है जो भी पुराइंस होते हैं और पिरिमिडाइंस होते हैं उनका एक्टिवेशन होता है इस प्रोसेस के थ्रू. सो हमने आज की वीडियो में जाना रिगार्डिंग फेज टू रिएक्शंस जिन्हें कॉन्जुगेशन भी कहा जाता है. सो बेसिकली मोस्टली इनमें जानने का इम्पोर्टेंट पार्ट ये है जो एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं तो वो बेसिक रोल प्ले करते हैं इन रिएक्शन प्रोसेस को बढ़ाने में, इनका केमिकल रिएक्शन को टेक्स प्लेस करने में एंजाइम्स का बहुत बड़ा हाथ होता है. तो बेसिकली ग्लूकोयूनाइट कॉन्जुगेशन प्रोसेस में जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो है यूडीपी ग्लूकोयूनोसिल ट्रांसफरेसिस, ये कॉमन एंजाइम है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लूकोयूनाइट कॉन्जुगेशन. एसिटाइलेशन मिथाइलेशन में एसिटाइलेशन में एसिटाइल कोएंजाइम है, मिथाइलेशन में मिथाइल ट्रांसफरेसिस एंड सल्फेट कॉन्जुगेशन में सल्फो ट्रांसफरेसिस. सो बेसिकली एंजाइम्स का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है ये सारे केमिकल रिएक्शन प्रोसेस को सुपरवाइज करने में. गाइस आज की वीडियो में हमने जाना रिगार्डिंग फेज टू रिएक्शन विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज कॉन्जुगेशन रिएक्शन, और होप करता हूँ आपको मेरा प्रोसेस जो भी समझाने का तरीका है वो समझ में आया हो, और इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी. टिल देन ऑलवेज स्टे फिट, कीप स्माइलिंग, टेक केयर.